तो हरिद्वार में महाकुंभ मेले के पहले शाही स्नान पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान कर रहे हैं। गंगा स्नान के लिए पुलिस ने हर की पौड़ी और मालवीय घाट को खाली कराया है। 8 बजे के बाद साधु संत स्नान करेंगे। 7 अखाड़े में से सबसे पहले जूना अखाड़ा शाही स्नान करेगा। हर की पौड़ी पर शाही स्नान करता जूना अखाड़ा, यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद दिखाई दिए। तो महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर हर की पैड़ी पर श्रद्धालुओं का जमावड़ा आप तस्वीर में खुद देखिए। लोग स्नान के लिए पहुंचे, जूना अखाड़े से लेकर तमाम अखाड़े यहां पर पहुंचा। प्रशासन के तमाम इंतजाम भी दिखाई दिए। हालांकि स्वच्छ पूरी तरीके से हर की पैड़ी रहे, उसको लेकर भी खासा ख्याल रखा गया। शुरू से ही इंतजाम पुख्ता किए गए ताकि श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो। आज काफ़ी खास दिन है हिंदू समाज के लिए और ऐसे में आज के दिन हर की पैड़ी में काफ़ी रौनक देखी जा रही है। भारी भक्तों की भीड़ यहां पर उमड़ी हुई है। हर की पैड़ी में स्नान के लिए गंगा के घाट पर पहुंचे हुए हैं तमाम श्रद्धालु और स्नान कर रहे हैं। इतनी ज़्यादा भीड़ है कि उसके इंतज़ाम के लिए प्रशासन ने काफ़ी कुछ यहाँ पर बंदोबस्त किए हुए हैं और श्रद्धालु को कोई परेशानी ना हो और खासकर कोई गंदगी ना हो, इसको लेकर ख्याल रखा जा रहा है। हालांकि कोरोना काल है, कोरोना काल के बीच कोरोना के प्रोटोकॉल का भी पालन हो, इसका भी ख्याल रखा जा रहा है। आज का ये पवित्र पुण्यदायी स्नान पुण्य सलीला माँ मोक्षदायिनी पवित्र माँ गंगा के तट हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पर, ऐसा कहा जाता है हमारे सनातन परंपरा में। इदम ब्रह्मा, इदम विष्णु, इदम देवो महेश्वर, इदमेव निराकारम निर्मलम जानवी, जो बहने वाला नीर के रूप में प्रभामांचल है, ये ब्रह्मा और विष्णु और महेश के रूप में प्रभामान है। आज का पवित्र दिन जो भगवान शिव और पार्वती के विवाह उत्सव के रूप में पूरे सनातन परंपरावादी लोग सुबह से लेकर रात तक उत्सव के रूप में मनाते हैं, आज ऐसे दिन और कुंभ का जो पवित्र दिन हो, उस समय गंगा स्नान करना, वहाँ पवित्र डुबकी लगाना, अपने पितरों के निमित्त अंजलि अर्पित करना और अपने लिए मोक्ष की डुबकी लगाना, ऐसी मान्यता है कि आज के दिन किया हुआ स्नान अश्वमेघ यज्ञ के समान स्नान होता है। इस पवित्र कुंड में आज के दिन जो स्नान इस पवित्र पुण्यदायी तिथि पर करता है, उसके यहाँ धन धान्य ऐश्वर्य सुख एवं पंच वृद्धि होती है। ऐसी कामनाओं के साथ पूरे सनातन परंपरावादी लोग उन साधु सन्यासी और तपस्वी लोगों के साथ जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में विभिन्न देवी देवताओं के रूप में यहाँ स्नान करते हैं, यहाँ डुबकी लगाते हैं, ऐसे प्रभावान स्थिति में पुण्य प्राप्त करना हर कोई सनातन परंपरावादी व्यक्ति लाभ पाना चाहता है। रात्रि के आस्था के पर्व पे, कुंभ के पर्व पे एक दिव्य भव्य आपको यहाँ पे माहौल देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखिएगा, अभी अखाड़ों का स्नान होगा, प्रॉपर प्रशासन जो है व्यापक व्यवस्था के लिए सुरक्षा प्रदान, पैरामिलिट्री फोर्सेज लगाई गई, अदर स्टेट के फोर्सेज लगाई गई, स्टेट के फोर्सेज लगाई गई, सबको प्रॉपर गाइड किया जा रहा है, कोविड के मानकों का पालन किया जा रहा है, सबको प्रॉपर गाइड किया जा रहा है, डॉक्टरों की टीम लगी है यहाँ पे और प्रॉपर रैंडम चेकिंग की जा रही है और बताया जा रहा है, गाइड किया जा रहा है और प्रॉपर सुव्यवस्थित व्यवस्था यहाँ पे देखने को मिल रही है। कल लेते इस खबर पे तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं ऑनलाइन पर मयूर सैनी, किस तरीके की रौनक आज के दिन देखी जा रही हर की पौड़ी पर? बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं कि आज जो है साफ तौर से जो है, क्योंकि आज महाशिवरात्रि का महापर्व का स्नान है, तो ऐसे में जो है जो आस्था है वो श्रद्धालुओं की, वो साफ तौर से हर की पैड़ी पर देखी जा रही है। क्योंकि सुबह 4 बजे से जो श्रद्धालु जो है वो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान तमाम राज्यों से यहाँ पर गंगा में स्नान किया और उसके बावजूद, क्योंकि 8 बजे तक की परमिशन जो है कुंभ मेला प्रशासन द्वारा और जिला प्रशासन द्वारा दे रखी थी, उसके बाद अब इस समय जो है अखाड़ों का जो है स्नान करना जो है सिलसिला जारी है। क्योंकि अभी तक जो है सबसे पहले अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, ऐवान अखाड़ा, यानी 7 अखाड़ों ने जो अब तक स्नान कर लिया है, उसके बाद अब निरंजनी अखाड़ा जो है उसके बाद स्नान करेगा। तो अगर इस समय जो है पूरा घाटों की सफाई चल रही है, क्योंकि अब से कुछ देर बाद जो है दूसरा अखाड़ा जो है निरंजनी अखाड़ा जो है वो कुछ देर में आने वाला है, तो ऐसे में जो है वो जो इससे पहले जो अखाड़े थे वो स्नान कर अपने अखाड़ों की तरफ लौट के गए। तो साफ तौर से देखा जाए तो अब घाटों की सफाई चल रही है और एक तरीके से पूरा आज महाशिवरात्रि के पर्व भक्तिमय
देखने को मिल रहा है जी। देखिए श्रद्धालु में किस तरह का उत्साह और साथ ही साथ भीड़ बेकाबू ना हो, प्रशासन के इंतजाम क्या कुछ अलग से रहे? बिल्कुल देखिए, साफ तौर से जो श्रद्धालु हैं, क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया कि हर की पैड़ी का जो क्षेत्र है वो ब्रह्मकुंड का जो क्षेत्र है वो खाली करा दिया जाए, लेकिन इसके अलावा लाखों के तादाद में जो श्रद्धालु ब्रह्मकुंड हरिद्वार पहुंच चुके हैं, काफी संख्या में भीड़ भी वहाँ पर है। इसके अलावा जितने भी जो घाट पड़ते हैं, सुरेंद्र आश्रम घाट है, सुभाष घाट हो, बहु घाट हो, तमाम घाटों पर जो है श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं, क्योंकि ये सिलसिला जो है अखाड़ों का जो है वो शाम तक लगभग 5 बजे तक यहाँ तक चलेगा। उसके बाद जो आम श्रद्धालु है वो प्रमुख गंगा नदी के दर्शन दोबारा कर सकते हैं। खास इसलिए भी देखे, महाकुंभ भी आने वाला है और लोगों के अंदर एक अलग सा उत्साह और ये शिवरात्रि, और ऐसे में लोग किस किस तरीके से इस दिन को मना रहे हैं? बिल्कुल देखिए, साफ तौर से क्योंकि आज महाशिवरात्रि का पर्व है, तो कनखल की अगर बात करें, कनखल के लक्ष मंदिर में भगवान शिव की सुखा की जाती है, तो ऐसे में भोलेनाथ को वहाँ पर जो स्थानीय जो लोग हैं, भारी संख्या में भीड़ जो है वहाँ पर एकत्रित हो रखी है और भोलेनाथ को जलाभिषेक कर रहे हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि धर्मनगरी अगर हरिद्वार की हरकी पैड़ी की बात करें, तो इस समय अखाड़े जो है लगातार स्नान कर रहे हैं, उनका एक ही नारा है शिव शिव बम बम बोले। साफ तौर से चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी।